श्री राम समर्थ, अप्रैल 6। संत चलने बोलने वाले भगवान ही हैं। जो व्यवहार में अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता, वह परमार्थ नहीं कर पाएगा। व्यवहार में जो बातें घटती है, उनका मन पर परिणाम नहीं होने दूंगा, ऐसा निश्चय करे और सद्गुरु की आज्ञा प्रमाण मानकर उसे पूर्ण करे। साधन पर विशेष ध्यान दे, मैं स्वयं कौन हूँ यह पहचाने। भगवान के सिवाय इस संसार में और कोई नहीं है यह समझेगा, तब मैं स्वयं कौन हूँ यह भी समझेगा। यदि निर्गुण समझ गया तो भी सगुण को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मुंह में भगवान राम का नाम आया, राम नाम लेने की प्रेरणा हुई, इससे क्या कोई और बड़ा भाग्य हो सकता है? हृदय में स्फूर्ति निर्माण होने पर ही हम विचार व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, फिर मुख में जब राम नाम आया तो राम हृदय में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझसे कहते हैं कि मैं उपनिषदों की कुछ बातें उसका तत्वज्ञान कहूँ, मैं वह कैसे कह सकता हूँ? जिसने जो किया वही वह कहेगा। गुरु की आज्ञा के पालन के सिवाय मैंने और कुछ किया नहीं, तो मैं उसके अलावा कैसे कुछ कह पाऊँगा? संत से समागम करने पर हम मार्गस्थ हो जाते हैं। हम साधु को व्यवहार में अपने साथ चलने बोलने करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह अपने साथ व्यवहार करने लगता है तो उसके पास समता का व्यवहार नहीं, ऐसी उल्टी शिकायत करते हैं। संत देह की बीमारियां ठीक नहीं करते, उन रोगों का भय मिटाते हैं। संत चलने बोलने वाले देवता ही हैं। संतों की देह के हिलने डोलने को महत्व नहीं है। भगवान का नाम सिद्ध कर दिखाना ही संतों का संसार पर बड़ा उपकार है। सिद्ध कर दिखाने का मतलब है नामस्मरण से परमार्थ सध जाना। हजारों लोगों को नामस्मरण करने के लिए प्रेरित करना ही संतों का कार्य है। संतों का कोई भी मार्ग वेदों और शास्त्रों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। संत सूर्य की तरह संसार पर स्वभावतः उपकार करते हैं। शास्त्रज्ञ कहते हैं कि सूर्य का तेज कम हो रहा है, लेकिन संतों का तेज बढ़ रहा है। धनवान माँ बाप का बेटा जब भीख मांगता है तो हम उस पर तरस खाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त होकर भी हम सुखी नहीं रहते, इसका संतों को दुख होता है। योनियां अनगिनत है, उनमें मनुष्य जन्म प्राप्त होना बहुत कठिन है। मनुष्य जन्म प्राप्त होकर यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन में भारी नुकसान होता है। इसलिए बहुत लगन से संतों का समागम करें, उनकी कृपा प्राप्त कर ले। संतों ने जो मार्ग निर्धारित किया उस पर आँख मूंद कर चले, गिरने ठिठकने का भय नहीं। हम गृहस्थी में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि संतों की पुकार हमें सुनाई ही नहीं देती। कम से कम हमें पुकार सुनाई देगी इतने अंतर पर तो हम हो। संत वचनों पर हम विश्वास रखें, फलतः भगवत प्रेम निर्माण होगा। वह निर्माण होने पर विषय प्रेम कम होगा। इसलिए संतों की केवल संगति करने पर भी कल्याण ही होगा। आज का मुख्य विचार, संत संगति और नामस्मरण से ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।